आप मुझे शायद पहचान ही नहीं है। नासिर हूँ मैं, आपके नेबर्स में होता हूँ। आप कहीं इफ़त आंटी के भाई तो नहीं? जी इफ़त आंटी का भाई हूँ मैं। आप शमा कैसी हैं? आप ठीक ठाक? कितनी अजीब बात है, आपसे यूँ मुलाकात हो गई यहाँ पे बुक शॉप पे। आप स्ट्रेंज। आप शॉपिंग कर लिया आपने? नहीं जी, अभी कुछ देख ही रही थी। तो घर कैसे जाएंगे आप? टैक्सी से जाऊंगे। कमाल है भाई, मेरे होते हुए आपको टैक्सी जाने की जरूरत है? मैं आपका पड़ोसी हूँ, पड़ोसियों का हक होता है। कुछ मैं वहीं जा रहा हूँ, घर ही जा रहा हूँ। ड्रॉप यू, नो प्रॉब्लम। वैसे बाय द वे हैप्पी बर्थडे। आपको कैसे पता? साहब मुझे तो ये भी पता है कि आपकी एंगेजमेंट नहीं हुई। चले मेरे ख्याल से हम चलते हैं। आइए प्लीज चलिए। अरे गोटे टाके जा रहे भाई, क्या बात है? मामू मैंने तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दी है। अच्छा, सीख रही हो? किस चीज की तैयारी? शादी की। और किसकी? किसकी शादी हो रही है? वाह, दिल में तो बड़े लड्डू फूट रहे, ठा ठा यहाँ तक आवाज आ रही है, और एक्टिंग करे अनजान बने। भाई लड्डू ना फूटे तो अजब है, बात ही ऐसी है। क्या बात कर रहे हो यार, लड्डू तो तब फूटेंगे जब कोई बात फूटेगी, पता चलेगा हो क्या रहा है। ये नौशी मम्मी का है? अम्मी? हाँ वो पड़ोस में गई है किसी लड़की को देखने। ओह नो। अरे यार तुम परेशान ना हो, वैसे लड़की तुम्हारी देखी भी। लेकिन यार इतनी जल्दी क्या थी? जल्दी क्या थी? अरे यार तू फिक्र क्यों कर रहे हो? अरे भाई वो अपने क्या नाम है इसका, शादी तुम्हारी पसंद से होगी और जहाँ तुम चाहोगे वहीं होगी। ये तुम्हारा हक है और ये हक तुम्हें मैं दिलाऊंगा। मैं दिलाऊंगा? अम्मी के सामने सारे हुकूक धरे के धरे रह जाएंगे आपके। और वैसे भी आप फिक्र न करें, हमने आपके लिए भी एक लड़की तलाश कर रखी है। अब बोले। हाँ, आप तो बहुत खुश होंगी, लेकिन आप बेफिक्र रहें, मेरी शादी आपके जेनिवर रवानगी के बाद ही होगी। जी फिर तो होने से रही। भाई तुम लोग क्यों मिलाओ, रहे हो यहाँ जान पे बनी हुई है, तुम्हें लड़ाई की सूझी भी है? ये तो है ही लड़ाकू, इनको तो वाटरलू के मैदान में पैदा होना चाहिए था। क्या मतलब ये आप फिर जातियात पर? आपने शुरू किया है। अरे बस खामोश। मामू सितारे ही तो मिलने जा रहे हैं। क्या मतलब? बेकार की बातें मत करो, जाओ बच्चा चाय बना के लाओ। मैं बना के लाऊंगा। नहीं नहीं आप रहने दे, क्योंकि हमें शाम की चाय पीनी है, बैठती नहीं। ऐसे ना शुक्रों के मैं चाय बनाऊंगी भी नहीं। शुक्रिया, तुम रूठे हम छूटे। नौशी तुम जाओ। चाय की बात छोड़े। काम करते हो, प्लान बनाते हो अपनी अम्मी के साथ मिलते हो, वो भी बगैर अंडरस्टैंडिंग के हमारी आपकी। मामू ऐसी बात है कि आप सुनकर खुशी में पागल हो जाएंगे। हो क्या जाएंगे, तो पहले से ही पागल है। प्रॉब्लम है कुछ मुझे लगता है, अब तुम मुझसे उलझ रही हो। नासिर नासिर नासिर, वैसे यार बाय द वे तुम्हारा स्टार क्या? दुमदार सितारा। हाजरीन एक एक मिनट कीमती है, इससे पहले कि अम्मी आए तफसीलन। जब तक अम्मी ना आए तब तक एक लफ्ज नहीं बोलोगे तुम अदनान, समझे? तुम बोलो इसको, चुप करो तुम। मेरी चिड़िया के पेपर निकल आए हैं, तुम चाय का बंदोबस्त करो। ये बात मैं नहीं चाहता। हुआ यूं कि मैं और अम्मी बराबर के नहीं बताएगा। आ गई हूं, मैं खुद बताऊंगी। भाई क्या बात है, हम भी सुनेंगे। आप खुद बताएंगे तो हम भी सुनेंगे। जरूर खुशी की बात है, जरूर सुने। हां भाई, कौन सी खुशी की बात है,
सलाम भी तो सुने, लेकिन पहले चाय। जी जी पहले चाय होगी। नहीं पहले बात कर लेंगे। नहीं, चाय पीएंगे। अच्छा अच्छा, दफा कर, मैं चाय मुझे पसंद ही नहीं। हाँ भाजी, वो बात बता दीजिए। अरे अरे, इस कदर बेकरारी, या तो शादी के नाम से चिढ़ते थे और अब ये हाल हो रहा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं दुनिया के किसी मर्द पे ये जुल्म नहीं होने दूंगा। मेरा बच्चा। क्या हो रही है? तुम फिक्र नहीं करो, और मैं हूँ ना। जी भाजन। ओहो, शर्माना तो देखो इनका। अरे मैं पसीना पोंछ रहा हूँ, पागल हो गया। भैया क्या फजूल बातें हो रही हैं? बहू बताओ असल बात क्या है। जी ताई अबू, मैंने नासिर के लिए इतनी प्यारी एक लड़की देखी है कि क्या बताऊं। आप सिर्फ लड़की देख कर आई? जी नहीं, अम्मी को इतनी पसंद आई कि पैगाम भी दे आई। क्या जाती की बात है, हमारी बहू की अगर पसंद है तो जाहिर है अच्छी होगी। और पुराने जमाने में तो, अरे ताया अबू, पुराने जमाने से ये जमाना बहुत आगे। आपको क्या हो गया है भाईजान? मामू, वो ये जिसके बारे में आपने बताया था। क्या? अरे मेरे बच्चे ने सीक्रेट बात की ओपन। ऐसी कोई बात नहीं है नासिर, बस यूं समझ लो कि वही लड़की है। लेकिन भाईजान, वो तो दो बच्चों की माँ है। तो बेटा फायदा है ना, बच्चे फ्री में मिल गए। नहीं नहीं नहीं, वो दो बहनें हैं, एक शादीशुदा है जिनके दो बच्चे हैं, और एक ये वाली है। दो बहन? रहम फरमा और मुझे सिकंदर के दवाखाने से बचा। क्या करूं, अब कब वक्त आएगा कि मैं लाहौर जाऊंगा और वहां की खुराकें खाऊंगा। तुम बेटो मालिक अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? और ये किससे बातें कर रहे थे आप? कुछ नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा आपके अलावा। बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम मुझे अकलमंद लगते हो। मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ कि मैं लाहौर चला जाऊं। अब तो वहां के होटल वालों ने होटल बंद कर दिए होंगे मेरी गैर मौजूदगी में। अरे मालिक अंकल, कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी तो हम आए हैं और आप जाने की बात कर रहे हैं। भाई आपसे तो अभी तक ठीक तरह हाल अहवाल भी नहीं हुआ है। यार मेरा भी दिल अभी जाने को नहीं चाह रहा, अभी तो बातचीत भी नहीं हुई। लेकिन वो तुम्हारा सिकंदर है ना, वो मेरी हर करवट के साथ वो मुझे दवाई पिलाने का दौरा पड़ता है उसको। इसका मतलब बीमार तो वो हुए। रब तुम्हारा भला करे, तुम दुनिया के वाहिद आदमी हो जो मेरी बात समझे हो। मालिक मालिक, लो तुम यहाँ खड़े हो और मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुमको। देखो देखो देखो, दवा के अलावा बात करना जो भी करना। दवा कौन पिला रहा है तुम्हें? पागल हो जो बेवक्त दवा पिलाऊंगा तुम्हें? अभी पूरे दो घंटे बाकी। देखो 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 मालिक अंकल, अभी दो घंटे हैं आपके पास अपने प्लान पे अमल करने के लिए। उस वाले? जी जी जी। ये किस प्लान, किस प्रोग्राम की बात हो रही है भाई? वो कुछ नहीं, वो आज कौंसल में ना म्यूजिकल प्रोग्राम है, वो देखने की बात कर रहा हूं। हां जी जी, म्यूजिकल प्रोग्राम। शर्मियाती, इस उम्र में म्यूजिकल प्रोग्राम देखोगे? जब इस उम्र में म्यूजिकल प्रोग्राम कर सकते हैं वो तबले और बाजे वाला, तो देख नहीं सकते? चलो चलो, बहस नहीं चाहिए मुझे, वो जाना है महमूद साहब के यहाँ। चलो। महमूद गजनवी के लोग किसके बात कर रहे हैं? एक महमूद साहब हैं, जाइए, वो उनके यहाँ पाए बड़े मजेदार बनते हैं। नहीं? हाँ, अच्छा? हाँ, 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 चलो फिर। चलो चलो, जब से देखा है तुम्हें दिल का जब अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे
ऐसा लगता है। पागल हो जाएंगे से क्या मुराद है? तुम पागल हो चुके हो। नासिर एक बात समझ में नहीं आता कि जब से हमारे पड़ोस में लोग आकर आबाद हुए तुम्हें कुछ शायरी का ज्यादा ही शौक नहीं होगी? क्यों? ये हमारे पड़ोस के आबाद होने में तुम्हें क्या इतराज है? यार मुझे पड़ोस के आबाद होने पर कोई इतराज नहीं है, मुझे इस चीज पर इतराज है कि तुम उस वक्त से मुस्तकिल घर में ही रहना शुरू कर दिया। तुम मेरा ख्याल है तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घुमा कर। यार कहाँ जाना? मामू मामू जल्दी से उठिए। क्यों मेहमान आ गए हैं? मेहमान जल्दी।